हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। अभी मैं चुजू सिटी के अंदर हूँ और चुजू सिटी अनहुई प्रोविंस के अंदर आता है। हम जिन यूहू में रहते हैं तो हमारे जो वीज़ाज़ लगते हैं वो भी हमें इसी सिटी के लगते हैं, अनहुई के। और अनहुई का जो यहाँ पर इमिग्रेशन है वो भी यहाँ पर है। आज हम इमिग्रेशन के लिए आए थे, हमने अपने वीज़ा रिन्यू करवाने थे। आप यकीन करें, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ है या जो यहाँ पर डिपार्टमेंट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है ताकि लोग आए, उनको वेट करना ना पड़े और जितना भी रश हो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ है। अभी भी जिस तरह हम अंदर गए, बहुत सारे डेस्क खाली पड़े थे, इस तरह स्टाफ मौजूद था लेकिन रश नहीं था। अगर खुदा नखास्ता कोई ग्रुप आता है, उन्होंने वीज़ा रिन्यूअल कर रहा हो, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। मैं गया हूँ, तकरीबन मेरा 5 मिनट के अंदर अंदर ही सारा काम हो गया, मुझे उन्होंने स्लिप दे दिया, तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन मैं यहाँ पे पहली दफ़ा भी आया हूँ, लेकिन मैं पहली दफ़ा बाद में घूमा नहीं हूँ। जिस तरह हमें पहली दफ़ा वीज़ा मिला यहाँ से लास्ट ईयर, उसके बाद हम इधर घूमे फिर नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा ये इमिग्रेशन है, ये चेंज है, इधर हम पहली दफ़ा आए हैं। ये साथ में जो एरिया है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त और डेवलप एरिया लगता है। तो इस सिटी की भी अच्छे रौनकें हैं, ये मैं दिखाता हूँ, इधर थोड़ा वॉक कर लेते हैं। ये चुजू सिटी का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, ये सामने भी हैं और ये भी है। हम अभी अंदर गए थे यहाँ पर और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सिस्टम बना रखा है, रश भी इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त इंतज़ाम भी किए हुए हैं और बहुत वसीह किस्म का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। अंदर स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब इतना टेंशन और इतनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं होती, बड़ा आराम से काम हो जाता है। साथ में आप ग्रीनरी चेक कर लें, कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है सारी चीज़ें। यहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के डेवलपमेंट्स की हुई हैं और यहाँ पर इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर सामने ICBC बैंक के भी डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पर सारे बैंक से इस एरिया पे। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये ज़्यादातर गवर्नमेंट का है और यहाँ पे बड़े ऑफिसेज़ वगैरह हैं, जिस तरह ये इमिग्रेशन है साथ में बड़े बैंक से चाइना के, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लगती है। अब यहाँ पर चेक कर लें, ये स्ट्रीट्स कितने घने घने दरख्तों के बीच में से हैं, तो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे एरिया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं और लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तकरीबन 30 तक टेम्परेचर है और फिर भी आप ये देख लें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसी एरिया में उन्होंने इंतज़ाम सही किए हुए हैं। चाइना में भी जिस तरह का एरिया हो, साफ़ सुथराई और उसके साथ साथ ग्रीनरी हर जगह आपको मिलेगी। तो यानी नेचुरल ब्यूटी हर जगह पे मिलती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आप अभी जब हम आ रहे थे रास्ते में तो इस तरह लग रहा था जिस तरह किसी ने फ़िल्टर लगाया हुआ हो, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी थी और बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह बंदा रोड्स के साथ गुजरता हो, इर्द गिर्द बड़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी हो, तो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखे, बस स्टॉप जगह जगह मौजूद है और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब मेट्रो का मुझे कंफर्म नहीं है कि इस सिटी में है, लेकिन खैर ये एक अहमियत रखता है। चूजू है, यहाँ पे सारी इमिग्रेशन है और सारे बड़े डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के इधर ही है, तो होना तो चाहिए, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर इस तरह के रेंटल साइकिल्स भी हैं, इसको QR कोड स्कैन कर लो, लेकिन इस तरह ये जो होते हैं उसमें अक्सर आपको पहले डिपॉज़िट करना पड़ता है, डिपॉज़िट के बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नैनजिंग में हैं येलो और ब्लू वाले, वो आप डायरेक्ट स्कैन करके जितना आप चलाते हैं उतने हिसाब से ही पैसे कटते हैं। यहाँ पर ये रोड्स भी काफ़ी कुशादा हैं और यहाँ पर ये क्यारियाँ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाए हुई हैं रोड्स के बीच में से। ये अब चेक कर ले कितने ही कुशादा रोड हैं और रोड भी कितने साफ़ सुथरे हैं,
बड़ा ज़बरदस्त लगता है ये चूजू सिटी। साथ पहाड़ भी लगता है, ये सामने जितनी भी है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और वहाँ पे जाके ये पहाड़ भी हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ की। चूजू सिटी तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन असल में एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आज सूरज भी निकला हुआ है और आज सही टाइट किस्म की गर्मी पड़ी हुई है, तो अब इतना ज़्यादा मतलब वॉक नहीं कर सकता। लेकिन ये कि चूजू सिटी मैं पहली दफ़ा भी थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ की ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त है, ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ पे रोड बड़े कुशादा हैं। और चाइना में ये कि स्पेस इनके पास बहुत ज़्यादा है, दोनों ने सही मेहनत किया हुआ है, साफ़ सुथराई भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बाकी सिटीज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यकीन करें अनखुई प्रोवेंस है ये, बाकी प्रोवेंस से काफ़ी थोड़ा गरीब सा है एज़ कम्पेयर टू जांगसू, लेकिन फिर भी यहाँ की जो डेवलपमेंट है इससे बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये कोई आम सी प्रोवेंस होगी, बड़ा ज़बरदस्त लगता है इस तरफ ये। अब हम थोड़ा आगे वॉक कर रहे हैं ताकि हम कोई शॉप वगैरह ढूंढ लें जहाँ पर हम कुछ खाए पिए। हमने अभी मेन स्ट्रीट क्रॉस किया है और ये सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, तो अब यहाँ पे ये रोड की सफाई आप देख लें और यहाँ पे ये बड़े बड़े दरख्त आप चेक कर लें, तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हवा भी अभी चल रही है। तो अभी हम सामने से जाके वहाँ पर मैंने एक जगह देखी थी जो मार्केट टाइप थी, तो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत कहा क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग है। यहाँ पर ये सामने एक सोसाइटी है जिसका वो ये एंट्रेंस है, सोसाइटी के अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट्स भी बनाए हुए हैं, यहाँ पर शॉप्स भी बनाए हुए हैं, तो हम प्रॉबेबली उधर ही चलते हैं। पूरा एक सुपरमार्केट उन्होंने बनाया हुआ है, ये सामने आप चेक कर लें, बिल्कुल सुपरमार्केट लग रहा है। क्योंकि नॉर्मल जब चाइना की सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे इतना एक दो शॉप्स होती है या उसके बाहर ही उन्होंने इंतज़ाम किए होते हैं, लेकिन ये सोसाइटी का जो एंट्रेंस है उसके अंदर ही उन्होंने इतने शॉप्स वगैरह बना रखे हैं। और ये सोसाइटी आप चेक कर लें, सोसाइटी से जब आप बाहर निकलते हैं तो सामने एक और सोसाइटी है, तो इस जगह को उन्होंने काफ़ी यहाँ पे उन्होंने ये शेल्टर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ये शेल्टर्स बनाए हुए हैं। इसका पर्पज़ यही होता है ताकि अगर कोई यहाँ पे रेड लाइट का इंतज़ार करता हो तो उसको सूरज से बचने के लिए शेल्टर मिले, गर्मी उनको ज़्यादा फील ना हो, तो ये उन्होंने जगह जगह यहाँ पर इंतज़ाम किए हुए हैं।